भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर एक तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित बस ने एक कार को टक्कर मार दी। कार सवार एसएएफ के प्रधान आरक्षक और उनकी पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हो गए। कार सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो परिवार में मौत होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के हनुमंतपुरा थाना क्षेत्र के सगरा गांव के रहने वाले अनिरुद्ध यादव ग्वालियर के 14 बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। अनिरुद्ध के परिवार में उनके ताऊ की अचानक मौत हो गई थी। मौत की खबर सुनते ही अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर ग्वालियर से अपने गृह गांव सगरा के लिए निकले थे। महगांव थाना क्षेत्र के बरहत गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार प्रधान आरक्षक अनिरुद्ध यादव और उनकी पत्नी मीरा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 20 साल की बेटी प्रीति और 23 साल का बेटा अभिषेक घायल हो गए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। हमारा भाई और बस बस से और कार में एक्सीडेंट हो गया, दोनों शांत हो गए। साथ में कौन कौन था? साथ में बच्चा बच्ची और भाई और बहू थी। कितने लोग खत्म हुए इसमें? दो शांत हो गए। अच्छा, एक कई नौकरी भी करते थे क्या? सर्विस में थे, कांस्टेबल है। कहाँ पर? 14 बटालियन, और ड्राइवर भी है। अच्छा, आने का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये मैदाओं के 4-6 किलोमीटर आगे। ये जो सर एक्सीडेंट हुआ है, दो लोगों की मौत हुई है, सर क्या है मामला सर? आज सुबह करीब 6:30 बजे बड़ी दुखद घटना हुई है। 14 बटालियन SF ग्वालियर में कार्यरत श्री प्रधान आरक्षक अनुज सिंह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ उनके ताऊजी शांत हो गए थे, वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। मृत्यु हुई, उनके बच्चे अभिषेक और प्रीति को भी चोटें आई हैं, पर वो दोनों खतरे से बाहर हैं। और सर बस में भी क्या कोई लोग घायल हुए हैं पैसेंजर? बस वालों को ज़्यादा चोटें नहीं।